जी इस्लामिक दोस्तों, अकमल आपके साथ फिर मौजूद स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से। और आज मेरे पास जो रिकमेंडेशन आई है, हमज़ा जर्राल ने लफ्ज़ एक भेजा है कि जी इसको प्रोनाउंस करके दिखाएं कैसे प्रोनाउंस करेंगे। और ये लफ्ज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन लफ्ज़ लिखा हुआ है। आमतौर पर यह हमारी जो रोज़मर्रा वोकैबुलरी उसमें इस्तेमाल नहीं होता, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो लफ्ज़ है, इसको पहले मैं इसकी मतलब बता देता हूँ और फिर इसकी तलफ़ुज़ हम करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है टाल मटोल, जो असल काम को छोड़ के जब आप गैर ज़रूरी चीज़ों में पड़ जाते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, गैर ज़रूरी काम में फंसे रहते हैं, ज़रूरी चीज़ें रह जाती हैं, वक्त का ज़िया जिसे कहते हैं। और ये आमतौर पर जो बिज़नेस पीपल होते हैं या जो बड़े मल्टी टास्कर होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा काम, कई सारे काम करने पड़ते हैं, उनके साथ ये मसला हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती कौन सा काम पहले करें और कौन सा काम बाद में करें। तो इसलिए वो फिर अक्सर तौर पर इस प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। लफ्ज़ का मतलब क्या हुआ? वक्त का ज़िया या गैर ज़रूरी चीज़ों में पड़ जाना, असल चीज़ को ना कर सकना। तो इसको प्रोनाउंस करके देखते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपली, अगर आप हमारी वीडियोज़ पहले देखते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा कि पी को हम ब्लास्ट करते हैं। शुरू में अगर 5 कंसोनेंट्स आ जाए, सी के पी क्यू और टी, 5 अगर कंसोनेंट्स शुरू में आ जाए तो इनकी आवाज़ फट जाती है। तो यहाँ पी की आवाज़ पे की बजाय फे हो जाएगी, जैसे पे और हे मिलके फे बनता है, तो ये फे हो जाएगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे प्रा के साथ करेंगे। अगली चीज़ है आर की। आर जो है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आर में आर को आपने बहुत ही डोमिनेंट और वाजे नहीं करना। आर को आपने क्या करना है? फ्रा। ना पता चले ये वाव है, ना पता चले ये रे है, तो फ्रा फ्रा ना के प्रा फ्रा फ्रा, यानी पी ब्लास्ट, पी की आवाज़ फट गई, रे की आवाज़ रे और वाव में मिक्स होगी, फ्रा। आगे जो फ़र्क ब्रिटिश और अमेरिकन का आएगा, अमेरिकन वाले इसे फ्रा ऊपर की तरफ करेंगे अलीमदा के साउंड के साथ, और ब्रिटिश वाले इसे ओ के साउंड के साथ करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन अमेरिकन में, प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रिटिश में। आगे जो है सी, उसको भी आप ब्लास्ट कर सकते हैं, वैसे रूल के मुताबिक वो ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड में होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। आगे रे फिर आ गया, तो इस रे को हम फिर ये तय करेंगे कि इसको हम सिर्फ रे करें या वाव के साथ मिक्स करेंगे, तो प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रिटिश में, प्रोक्रेस्टिनेशन अमेरिकन में, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्रेस्टिनेशन। सी अगले वाला भी ब्लास्ट, खे की आवाज़ और रे की आवाज़ को मिक्स करके प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ड का मतलब भी पता चला और आपको प्रोनाउंस करने का भी तरीका पता चला। आप भी किन वर्ड्स पर चाहेंगे कि हम मज़ीद वीडियोज़ बनाएं, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। वैसे जो कॉमन यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, यहाँ उसका लिंक आप जाके क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। आपसे दोबारा अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।